जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान पूरा परिवार शादी में शामिल होकर अपने घर लौट रहा था। इस दौरान सड़क घटना के चलते 5 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है। यह पूरा मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है, जहां पर सड़क किनारे पर खड़ी फोर्स कार को इको कार ने ही भिड़ंत की है। फोर्स कार में 7 जने सवार थे और इको कार में 2 जने थे, जिन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। सुजानगढ़ के नसीरपुर इलाके में पिलर नंबर 48 के पास का बताया जा रहा है और जानकारी में पता चला है कि टांडा के रहने वाले राकेश जांगड़ी की शादी करने के लिए परिवार रविवार को गोरखपुर पहुंचा था और मंगलवार को शादियों के बाद लौटते समय नसीरपुर थाना इलाके के इनकी कार फोर्स गाड़ी से भिड़ंत हो गई थी। बताया जा रहा है कि यह घटना इतनी ज्यादा थी कि दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इस घटना में राकेश के बड़े भाई बाबूलाल 40 वर्षीय, चचेरे भाई कैलाश 38 वर्षीय, नेमीचंद 43 वर्षीय और भांजे रमेश 38 वर्षीय निवासी मलेसर को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं इस घटना में इको कार में सवार दिल्ली निवासी युवती मिथिलेश गुप्ता 45 वर्षीय पत्नी प्रहलाद गुप्ता को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 2 जने घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी को अस्पताल में भिजवा दिया गया है और जांच पड़ताल मौके पर शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों यह बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर